घर में अगर कोई चीज खराब हो गया हो और जब तक उसको आप रिपेयर नहीं करो तो एक तो घर वाले आपको रहने नहीं देंगे। Hey guys, welcome back to another video. जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, please do consider subscribing. और जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, thank you so much. घर में अगर कोई चीज खराब हो गया हो और जब तक उसको आप रिपेयर नहीं करो तो एक तो घर वाले आपको रहने नहीं देंगे और दूसरी बात है जब तक उसको आप ठीक नहीं करोगे तब तक एक अजीब सी बेचैनी होती रहती है। बस मैं बात कर रहा हूँ जो है वो घर की जो टीवी है वो अभी फ्रीक्वेंटली जो है बहुत प्रॉब्लम दे रहा था और बहुत ख़राब हो गया है। उसको हमने ट्राई किया मैकेनिक को बताने के लिए, सर्विस सेंटर को बुला के चेक वेक करवा दिया सब कुछ, बट फाइनली वो जो है वो चल ही नहीं रहा है और हमने जो है क्या किया, एक नया टीवी ही मंगा लिया है। तो ये नया टीवी हमने मंगा लिया है और इस बार जो है हमने टीवी जो है बड़ा साइज़ का मंगाया है, वॉल माउंट जो है वो किया नहीं है। अभी जस्ट बंदे का फ़ोन आया था जो कि वो इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है, तो वो इंस्टॉल भी हो जाएगा। मायरा के स्कूल के लिए कुछ आर्ट एंड ड्राइंग के लिए कुछ चीज़ें मंगाई है और वही अभी लेने आया हूँ बाहर। ये स्कूल में कुछ ना कुछ तो मंगाते रहते ही है यार। आपके स्कूल में क्या मंगाया अभी? कलर्स मंगाया मम्मा गई है लाने के लिए। आपके कलर का कुछ करने वाले हो क्या? कलर का कुछ करने वाले हो? उसका तो हो गया ना, अभी उसको रखेंगे ताकि जब चाहिए अभी हम ले सके। मुंबई में बारिश बंद हो के 2 या 3 दिन हुआ है लेकिन गर्मी ऐसी हो रही है कि भाई पूछो मत यार, बहुत ज्यादा ही गर्म हो रहा है। मास्क पहनने ही नहीं हो रहा है, बाहर निकलना मतलब ऐसा लग रहा है कि उबल रहे है यार। बहुत सारी चीज़ें नई नई आई है। ओके, टीवी जो है वो तो बहुत पहले आ चुकी थी, खाली इंस्टॉलेशन आज हुआ है और सोफ़ा भी जो है वो भी आज ही आ गया। ऑर्डर हमने बहुत पहले दे चुके थे लेकिन चलो वो भी अच्छी बात है, वीकेंड में जो है वो भी आ गया तो उसका भी काम हो गया है। और अभी थोड़े दिन पहले एसी भी ख़राब हो गया था, वो उसको भी ठीक करा दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज जो है कंप्लीट। चलो अभी बहुत सारी जो है जिम्मेदारी जो है वो सर से निकल गई है यार। मैं बताया ना यार, बहुत सारा ऐसा काम रहता है ना तो फिर वो कुछ और बोलते हैं ना, काम करने का मन ही नहीं करता जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाए। करंट सिचुएशन में अगर हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे अगर घर पे बैठे बैठे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। वो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अभी जो जिद चल रहा है उसके वजह से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी कुछ ऑनलाइन और डिलीवरी वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है। इसी से मुझे याद आया कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने अभी अनार यानी कि पोमोग्रेनेट जो है वो मैंने, मेरे एक फ्रेंड जो है उसने उसका बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और मैंने उसे ऑर्डर दिया था जो उसने मुझे डिलीवरी दिया हुआ है। अभी कल ही उसका डिलीवरी आया मुझे और काफ़ी बड़े बड़े अनार है, बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली जो ये अनार है पूरे ऑर्गेनिक है, पूरे डायरेक्टली जो है वो फार्म यानी कि खेत से जो है वो वहाँ से
लेके वो डायरेक्टली उसके पास आता है और वो फिर वो जो है वो डायरेक्टली डिलीवरी करता है। ये फिलहाल के लिए जो है मुंबई में अभी चालू किया उसने, अभी कोई बाकी कोई सिटी जैसे कि मुंबई से बाहर जो है अभी तक उसे स्टार्ट किया नहीं है, बट डेफिनेटली वो भी बहुत जल्दी वो स्टार्ट करने वाला है। अगर आप लोगों को चाहिए अगर तो जो नंबर मैं दूंगा वो नंबर को चाहिए तो आप पॉज करके नंबर नोट कर सकते हो और उसको कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बहुत ही अच्छे प्राइस में जो है वो आपको वो डिलीवरी आपके घर तक आपको दे देगा, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जो है किसमें जो रेसिंग होता है वो भी वो उसका भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ और काफ़ वो भी जो है पूरा ऑर्गेनिक है, ब्लैक कलर का जो आता है, गोल्डन ब्राउन या जो भी मतलब वेराइटीज़ के है, काफ़ी वेराइटीज़ के है, बहुत सारा रेंज है उसके पास, वो भी जो है आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है और वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस में वो आपको दे देगा। और अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप उसको कॉल कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका नंबर मेंशन कर दूंगा तो आप जाइए कॉल कीजिए। अगर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पसंद हो और वो भी घर बैठे बैठे डिलीवरी मिल जाए तो ऐसे स्मॉल बिजनेस को जो है वो सपोर्ट कीजिएगा एंड प्लीज डू कंसीडर कॉन्टैक्टिंग हिम।